नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे सेव ऑप्शन के बारे में। तो चलिए, मैं माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल पर मैंने क्लिक किया और मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर मैंने क्लिक किया और इंसर्ट ऑप्शन में यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पिक्चर के पास में आपको आ गया सेव। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने ऑनलाइन पिक्चर के बारे में बताया था, उसके बाद पिक्चर के बारे में बताया था। आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए। तो सेव पर मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे ऊपर में यूज सेव, यूज सेव का मतलब है जो भी आप काम कीजिएगा तो यहाँ पर आपको स्टोर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ से दिल लिया इस तरह से, अब यहाँ पर देखिएगा यूज सेव में दिल देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद लाइन, ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल, उसके बाद बेसिक सेप, उसके बाद एरो, उसके बाद इक्वेशन सेप, उसके बाद स्टार, इस तरह से आपको क्लाउड, इस तरह से बहुत सारे इसमें आपको सेप को आपको लिस्ट आपको आ रहा है। तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट में आपको ज़रूरत है वैसा आप इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सेप लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं दिल का सेप लिया और इस तरह से मैंने खींचा ऐसे, तो इस तरह से हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक समान चारों तरफ से ये काम होवे, तो तब मैं क्या करूँगा, फिर दिल के सेप लुआ स्विफ्ट प्रेस करके खींचता हूँ तो एक बराबर होगा। और जैसे ही सेप को मैंने क्लिक किया, एक फॉर्मेट में आपको खुल गया, इस पर क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा, फिर इस पर क्लिक किया तो फॉर्मेट आपको आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट में यहाँ पर आपको आते हैं, यहाँ से आपको इंसर्ट और कोई सेप कर सकते हैं, जो भी आपको मन है यहाँ से कोई भी सेप आप इंसर्ट आप कर सकते हैं फिर से। ठीक है, और मैं इस पर क्लिक किया, यहाँ से और सेप इंसर्ट कर सकते हैं, इस पर मैं क्लिक किया और यहाँ सेप को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ से लिया इस तरह से और यहाँ से एडिट करना होगा, तो एडिट पर हम लोग क्लिक करेंगे तो एडिट में सबसे पहला ऑप्शन है चेंज सेप। तो जिस पर आप क्लिक कीजिएगा, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको सेप को चेंज करना चाहते हैं, तो जिस पर क्लिक कर देंगे तो सेप का चेंज हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करके इसको सेप को चेंज करते हैं, चेंज कर देते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से चेंज हो गया। तो यहाँ से सेप इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से सेप इंसर्ट किए हुए के सेप को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और इसी के नीचे है एडिट पॉइंट, यहाँ पर क्लिक करके इसको क्या कर सकते हैं, आप पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब मैं आपको इसको पे डिलीट करके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा, इसको पॉइंट को हमको करना है डिलीट। तो देखिए हो गया डिलीट। इसको करना चाहते हैं डिलीट, तो देखिए हो गया आपको डिलीट। इसको करना चाहते हैं डिलीट, तो हो गया डिलीट। इसको करना चाहते हैं डिलीट, तो हो गया डिलीट। ऐसे से करते हैं सारा को आप डिलीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें क्या है टैक्स बॉक्स, टैक्स बॉक्स को समझ लेते हैं। तो इसी पर हम लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एडिट हो गया टैक्स बॉक्स। टैक्स बॉक्स पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इस क्लिक किया, यहाँ पर कर्सर आपको आ जाता है। टैक्स बॉक्स से क्या होता है कि आप कोई चीज़ को डाटा को लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसको फ़ॉन्ट को बड़ा किया और इस तरह से मैंने लिख दिया। लिखने के बाद इसको फ़ॉन्ट को छोटा कर लेते हैं, तो देखिए इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। फिर मैं चलता हूँ सेप में, चलता हूँ फिर ले लेता हूँ इस तरह से, और फिर यहाँ से टैक्स बॉक्स पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको लिख देंगे। और बड़ा करना होगा तो इसको सिलेक्ट करना होगा, इस तरह सेलेक्ट कीजिएगा इस तरह से, और जाइएगा होम में और इसको जितना बड़ा करना है आपको बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं हम लोग, फिर फॉर्मेटे में हम लगाते हैं, फॉर्मेट को पूरा समझ लेते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आपको ये किया है सेप स्टाइल, यहाँ से सेप का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें से बहुत सारे हैं, कभी पसंद है तो आप स्टाइल ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेप फिल में आते हैं, सेप फिल में इस तरह से कोई कलर आप इसमें से अगर पसंद नहीं आया इसमें से, तो आपको सेप फिल में आ जाइए, इसमें से कोई कलर ले सकते हैं। और इसमें से कलर पसंद नहीं आया तो मोर कलर में जाइए, और कलर आपको मिलेगा। और मोर कलर में पसंद नहीं है आपको तो पिक्चर्स से भी आप ले सकते हैं, तो फ्रॉम फाइल मतलब कंप्यूटर के अंदर कि आपको नेट के द्वारा। सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर वाला पसंद हम आपको लेकर दिखलाते हैं। चलिए कंप्यूटर के अंदर वाला ले लिए, और फिर हम लोग चलते हैं पिक्चर में। अब हम लेते हैं नेट से, तो नेट से यहाँ पर आएंगे और जिसको चाहिए इस तरह से आप लिखिए, इंटर प्रेस कर दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, नेट कनेक्ट होना चाहिए। जैसे इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको यहाँ पर बहुत सा चित्र आपको आ जाएगा, जैसा आपको चित्र का आपको ज़रूरत है। बहुत डेंजर डेंजर चित्र है, ये चित्र मुझे नहीं चाहिए। इंटर, हमने मैंगो को चित्र दे दिया, मुझे मैंगो बहुत अच्छा लगता है, इस पर क्लिक किया और इंसर्ट किया, तो देखिए यहाँ पर मैंगो हो गया। और नेक्स्ट समझते हैं ऑप्शन को, पिक्चर हो गया ग्रेडियन, इसमें से कोई आपको ग्रेडियन ले लीजिए। अगर ये भी ग्रेडियन पसंद नहीं है तो आपको आएंगे हम लोग ग्रेडियन के नीचे आएंगे मोर ग्रेडियन में, और जब मोर ग्रेडियन के पास आएंगे तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर हम लोग चलते हैं ग्रेडियन में, इस तरह से ग्रेडियन पसंद है इस तरह से बीच में, फिर यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर आपको एक कलर फिर आ जाइए, दूसरा कलर फिर आ जाइए, एक और चलिए तीन कलर देते हैं इस तरह से। इस तरह से आपको ग्रेडियन का इसको उपयोग कर सकते हैं। इसको मैं कट करता हूँ। ग्रेडियन के बाद हम लगाते हैं टेक्सचर में आते हैं, इस तरह से टेक्सचर ले सकते हैं, टेक्सचर इसे फिले में सारे इतना सारे आपको ऑप्शन आपको है, ठीक है। अगर इसमें से कोई आपको छेड़छाड़ करना है तो मोर टेक्सचर के पास आ जाइएगा, ठीक है, मोर टेक्सचर के पास, तो यहाँ से आपको आ जाएगा टेक्सचर, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और टेक्सचर को आपको इस तरह से, हम दूसरा टेक्सचर लेते तो समझ में आ जाएगा, देखिए इस टेक्सचर लेते तो क्या प्रभाव पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी हल्का कम बेसी, यहाँ से देखिए इधर उधर कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस तरह से टॉप राइट इस तरह से घुमा सकते हैं इस तरह से। तो टेक्सचर भी हम लोग समझ लिए हैं। टेक्सचर के बाद हम लोग आते हैं, अब यहाँ ख़त्म हो गया, अब आते हैं हम इसका आउटलाइन, तो चलिए हम आउटलाइन का एक बोल्ड ले लेते हैं, आपको पता चलेगा आउटलाइन, और आउटलाइन के जैसे हम कलर लेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये दिल का आउटलाइन, जिस पर क्लिक रहेगा तो ऊपर काम करता है आउटलाइन, जिसमें से इतना सारे कलर है, कोई भी कलर आप ले सकते हैं। अगर ये भी पसंद नहीं आए तो फिर मोर कलर के पास जाना होगा, और इसमें से कलर आप ले लीजिए, और जहाँ नो आउटलाइन होगा तो वहाँ से आउटलाइन है ना हटा देगा। फिर यहाँ पर आके इस तरह से बोल्ड इसको कर सकते हैं आउटलाइन को, फिर यहाँ से इस तरह से आप कर सकते हैं डॉटेड वाला आउटलाइन, फिर यहाँ से इसमें आके इस तरह से कर सकते हैं मोर आउटलाइन पाइएगा, तो फिर इस पर आपको आ जाएगा, यहाँ से आपको आउटलाइन का कलर, यहाँ से इसका ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा बेसी, यहाँ से विथ हाइट इस तरह से, यहाँ से भी इस तरह से बोल्ड लग कर सकते हैं, राउंडेड कॉर्नर, इसको समझ में आने, इसमें कॉर्नर हो, इसमें दिल में तो पता नहीं चल रहा ना आपको स्पष्ट पता चलता कि कॉर्नर और क्या होता है, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ कट आउटलाइन में, और टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं
शेप में, ठीक है। इसके अंदर एक हम पिक्चर लगा देते हैं तो अब आपको अच्छा समझ में आना चाहिए। ले लेते हैं फ्रॉम फाइल से पिक्चर, ठीक है। आप देखिए सेप, इसको हम उठाकर इसाइड रख देते हैं और यहाँ पर आते हैं सेप। सेप में सबसे पहले है आपको देखिए प्रीसेट में इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। अगर इस तरह से करने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि और अच्छा चाहिए तो 3D ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए सेप का फिर यहीं पर आ जाएगा बहुत सारे, जो भी आपको पसंद है, और नहीं तो यहाँ से अपना इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शेप में से यहाँ से कुछ भी ले लेते हैं। चलिए शेप को मैंने ले लिया, नहीं शेप को ले लिया आप, इसको नोट करते हैं, अगला ऑप्शन को समझते हैं। शेडो, शेडो मतलब क्या था, इसका परछाई। देखिए दिल का नीचे के परछाई यहाँ पड़ी, अगर आपको परछाई कभी कुछ छेड़छाड़ करना है आपको तो शेडो ऑप्शन में आना होगा। तो परछाई को मैंने रेड कर देते हैं, और रेड के लिए आपको डीप हल्का यहाँ से कर सकते हैं, इसकी साइज जिधर में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए साइज इस तरह से रखना चाहते हैं रख सकते हैं, इस तरह से धुंधला इस तरह से कर सकते हैं। चलिए इसको अब हम करते हैं, शेडो को करते हैं नो शेडो, अगला ऑप्शन समझते हैं। रिफ्लेक्शन, देखिए नीचे रिफ्लेक्शन आएगा, और रिफ्लेक्शन को लिए हम लोग फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन का मैं कलर इस तरह से चेंज करता हूँ, इसका ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से इसका साइज, ब्लर साइज, ब्लर वगैरह, एंगल और डिस्टेंस। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, अगला को नो करते हैं, अगला ग्लो को समझ लेते हैं। अगला ग्लो के पास आते हैं, ग्लो में आपको इतना सारे हैं, इस पर आप क्लिक करके ग्लो देख सकते हैं। अगर इसमें भी ग्लो पसंद नहीं आया तो फिर आपको ग्लो ऑप्शन में आना होगा, और उसी प्रकार से जो आपको मैं बताते जाता हूँ कि इसका ग्लो, इसका इस तरह से, इसका इस तरह से, एंगल, डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ, और ग्लो भी ख़त्म होने के बाद आप इसको नो कर देते हैं, नेक्स्ट समझते हैं इस तरह से, और नेक्स्ट समझते हैं बेबल इस तरह से। इसको बेबल कहेंगे नो, इसको ग्लो कहेंगे नो करते हैं जी, ग्लो नो। नो ऑल, ठीक है। तो सबके नो नो आप कर दीजिएगा तो वहाँ से असर उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ पर आते हैं, आपको 3D रोट 3D देखिए रोटेशन कितना अच्छा लग रहा है इस तरह से, और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो एक और आपको डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आके मोर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से इसका चेंज वगैरह जो भी करना चाहते हैं इस तरह से देखिए घुमा सकते हैं इस तरह से, इस तरह से सारे ऑप्शन यहाँ से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम इसको कर देते हैं नो, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अब ये जो ऑप्शन है वो टैक्स पर प्रभाव, इसके अंदर देखिए टैक्स है तो देखिए आपको प्रभाव पड़ रहा है टैक्स पर, ठीक है, क्योंकि वो टैक्स के लिए ऑप्शन आपको काम करेगा, ठीक है। सेप के लिए नहीं, टैक्स के लिए, तो फॉर्मेट में जाएंगे और देखिए यहाँ पर टैक्स के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर जितना ऑप्शन है सो टैक्स के लिए है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको टैक्स के लिए भी आपको मैं बताऊँगा। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।